निकाय चुनाव की जंग छिड़ चुकी है। प्राइम टीवी भी अपने खास प्रोग्राम नगर संग्राम में लगातार प्रदेश के वार्ड का रियलिटी चेक करके दिखा रही है। इस बार चंदौली के चकिया नगर पंचायत वार्ड नंबर 8 दुर्गा नगर कॉलोनी में हमारी टीम पहुंची। यहां के लोग ने निकाय चुनाव को लेकर अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया दी है। फिलहाल अभी जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, वोटरों को लुभाने के लिए प्रत्याशी तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। मैं हम आदर्श नगर पंचायत चकिया के वार्ड नंबर 8 दुर्गा नगर कॉलोनी में मैं आ चुका हूं। ये दुर्गा नगर में देखते हैं आपको यहां का जीरो संवाद में दिखाता हूं, जीरो पॉइंट से कि यहां के जनता का रुझान क्या है। वैसे मैं बताऊं आपको कि सपा बसपा भाजपा कांग्रेस सारे प्रत्याशियों ने अपना अपना नामांकन भर दिया है। कल तक यानी 20 तक जो है लास्ट डेट है पर्चा उठाने का। समीकरण क्या होगा और कैसे होगा, किस बूथ करवट बदलता रहेगा, मैं आपको समय समय पर बताता रहूँगा। लेकिन फिलहाल आज मैं जीरो पॉइंट पर आया हूँ और यहाँ के हर वोटर से मैं नब्ज टटोलूँगा और आपको दिखाऊँगा कि यहाँ की जनता क्या चाहती है। ये भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी या बहुजन समाजवादी पार्टी या कांग्रेस। मैं कांग्रेस का बता दूं आपको कि कांग्रेस के प्रत्याशी जो हैं कम उम्र होने के नाते उनका फॉर्म जो है कैंसिल कर दिया गया है। कांग्रेस की लड़ाई जो है चकिया नगर पंचायत से गेम से बाहर हो गई है। ऐसे में केवल सपा बसपा और निर्दल प्रत्याशी कुछ लोग हैं। जो निर्दल प्रत्याशी हैं वो भी देख रहे हैं यहाँ कुछ लोगों का समीकरण बिगाड़ रहे हैं। मैं आपको खुद बात करके दिखाता हूँ यहाँ की जनता आपसे क्या कहती है। बोर्ड दिखा है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत। आइए हम बात करके दिखाते हैं इनका क्या कहना है और ये नगर निकाय चुनाव को लेकर ये कितना एक्टिव है और ये क्या कहते हैं जी। आपका नाम क्या है? मुन्ना विश्वकर्मा। मुन्ना विश्वकर्मा जी, मुन्ना जी ये बताएं कि आपके ऊपर लगा हुआ है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी जी, ये आपको आवास मिला है जी, ये आवास में रहते हैं आप जी, तो सरकार अच्छा काम कर रही है? सरकार तो अच्छा काम कर रही है। अच्छा काम कर रही है। इस बार चुनाव नगर पंचायत का आ गया है जी, तो वोट किसको देना पसंद करेंगे आप? अभी तो फिलहाल में तो कोई निर्णय आया नहीं है। अच्छा, निर्णय नहीं आया जी? नहीं। अच्छा, लेकिन फिर भी तो रहूंगा कि हमको तो योगी को देखना है। योगी जी को देखना है? अरे वाह, योगी जी को ही क्यों देख रहे हैं, मोदी जी को नहीं? योगी से ही मोदी से योगी। हाँ राइट, दोनों योगी जी मोदी जी एक ही हैं। अच्छा, दोनों में चर्चा किया जाए आपसे, योगी जी अच्छे हैं कि मोदी जी? नहीं, दोनों दोनों अच्छे। दोनों में सबसे अच्छा कौन है? मोदी जी। अरे वाह, क्या बात है। तो मोदी जी ने आपको आवास दिया इसलिए आप कह रहे हैं जी? नहीं, हाँ काम भी अच्छे किए हैं। काम भी अच्छा किए हैं। एक आध काम बताइए विश्वकर्मा जी। बहुत से काम तो हुआ कि है, जो पहले हमारे देश का तो हुआ कि नाम चर्चित में नहीं था, आज तो हुआ कि पूरे देश में तो हुआ कि हमारे मोदी जी के नाम चर्चित है। वाह, देखा आपने, ये विश्वकर्मा जी हैं पहले व्यक्ति जो नगर पंचायत चकिया से मिले हैं, ये ज्यादा प्रभावित हैं योगी जी और मोदी जी के नामों से। मैंने पूछा है, आपने देखा भी होगा, गौर करिए उस पे। इन्होंने कहा नेशनल और इंटरनेशनल राजनीति की बातें करते हैं, हम चकिया नगर निकाय चुनाव की बात लेकर यहाँ पर आए हैं और ये हमको इंटरनेशनल राजनीति की बात कह रहे हैं। विश्व पटल पर मोदी जी का नाम है इसलिए मोदी जी को वोट देना चाहते हैं। हम आपको बात कराते हैं दुर्गा नगर में, माता जी हैं, इनके घर पे चलते हैं, देखते हैं, नब्ज टटोलते हैं कि इनका क्या कहना है नगर पंचायत चुनाव को लेकर। माता जी, क्या नाम है आपका? कलावती। ये चुनाव आ गया है, अब वोट देना है आपको? किसको वोट देना पसंद करेंगी जो जो आपके हित में काम करता हो? हाँ हाँ, तो अभी समझ में नहीं आया आपको जी? आप, हम तो किसी पार्टी से नहीं, हम पता करने आए हैं कि क्या सरकार आपके हित में काम कर रही है, आप सरकार के कार्यों से खुश हैं। यहाँ जो चकिया नगर पंचायत में किसको वोट करेंगे जो आपके दुख सुख में साथी बने? जी अपना नाम बताएं। कल्लू भैया। आपका नाम कल्लू है? हाँ। कहाँ से, किस वार्ड से हैं? 8 से। हाँ। कल्लू भैया बताइए कि चुनाव आ गया है। हाँ। और किसको चेयरमैन बनाया जाए? आप बताइए ना, मैं क्या बताऊँ, मैं तो बाहर ही, मुझे क्या मालूम। हाँ भाई, हमको कुछ पता नहीं है। आपको पता नहीं? अभी नहीं पता। अच्छा अच्छा, कौन काम अच्छा किया है अब तक कोई जो चेयरमैन? कोई ना भैया, कोई काम है नहीं किया। क्या काम हुआ देख लो, ये दिखा रहे हैं आप? ये खराब सड़क देख ला। ये तो खराब है, ये घर में कौन रहता है, थोड़ा सा बात करेंगे। हम आपको ये दिखाते हैं यहाँ पर सीन, जो जनता ने बताया है कि सरकार चाहे जिसकी हो, काम चेयरमैन तो मैं फिलहाल अभी नहीं है क्योंकि 3 साल पहले कोरोना काल में यहाँ अशोक कुमार बागी जी का निधन हो गया,
तब से प्रशासनिक अधिकारी मतलब एसडीएम जो लोग होते हैं वही प्रशासनिक पद पर यहाँ कार्य करते हैं। ये देखने से लग रहा है यहाँ पर ये पानी लगा हुआ है, किसी का भी आज तक इस पे नजर नहीं पड़ी है। आइए हम बात करके दिखाते हैं। माता जी क्या नाम है आपका? मीरा जी। मीरा देवी। मीरा देवी, अच्छा ये बता रहे हैं कि यहाँ पर पानी लगा रहता है, इसकी शिकायत आपने कभी किसी से नहीं किया? नहीं किया। तो क्या हुआ? ना कोई सुलन करना चरमत हुआ के बाद हुई, चुनाव के बाद? चुनाव के बाद। तो ये चुनाव के पहले कितने दिनों से ऐसा कंडीशन है? इससे ढेरा दिन से है। तो फिर चुनाव का इंतजार 3 साल से आपको चलाया जा रहा है इसे? हाँ 3 साल से। अब क्या लगता है? आप लगा आपको कि किसको वोट करेंगे, आपका काम ये लोग करेंगे? हाँ, किसको वोट करेंगे? अब ये कराई अभी तक मुझे मालूम नहीं। अच्छा मालूम नहीं है। नहीं। अच्छा किसी पर विश्वास होगा ना कि कौन काम हमारा करेगा कौन नहीं करेगा? हाँ। ये बताएं कि नगर पंचायत का चुनाव आ गया है, थोड़ा सा प्रकाश डालें हमारे दर्शकों को, बताएं कि चकिया का नगर पंचायत का जो चुनाव किस लेके चल रहा है? अभी तक में भाई डेट नहीं आया चुनाव को, सारे प्रत्याशी निर्णय में हूँ, अभी कोई चेहरा नया ऐसा नहीं आया है। जो भाजपा से गौरव श्रीवास्तव आए हैं, समाजवादी पार्टी से मीरा जायसवाल आई हैं, निर्दल प्रत्याशी रवि प्रकाश चौबे आए हैं, बहुजन समाज से भी लोग आए हैं, तो और रमेश गुप्ता जी आए हैं, अजय गुप्ता जी आए हैं, ऐसे में क्या लग रहा है आपको कौन चुनाव मार लेगा? चुनाव समीकरण का भी कोई रुझान ऐसा नहीं है, कौन सा प्रत्याशी जीतेगा हारेगा, लेकिन चुनाव का माहौल है तो दिलचस्प चुनाव होगा। चुनाव दिलचस्प होगा? दिलचस्प होगा, इसमें कोई तरह इसमें पार्टी लेवल की बात नहीं है, व्यक्तिगत चुनाव हो रहा है, लोकल चुनाव है, उसमें सारे लोग अपने हैं, बस जो उसमें से हम लोगों को अच्छा लगेगा, जो हम लोगों के बीच में खड़ा होगा, जो हम लोगों का अच्छा होगा हम उसी को वोट करेंगे। देखा आपने, इन्होंने बताया कि यहाँ का नगर पंचायत चकिया का चुनाव बहुत ही दिलचस्प होगा। मैंने कारण पूछा क्यों, उन्होंने बताया कि ये चुनाव किसी पार्टी विशेष का नहीं होता है, क्योंकि लोकल चुनाव है, यहाँ पर जितने भी प्रत्याशी हैं सब लोकल यहाँ के रहने वाले हैं, और ये न सपा बसपा भाजपा ऐसा कुछ नहीं होगा, व्यक्तिगत व्यवहार पे जाएगा और बहुत ही दिलचस्प होगा। ये समय बताएगा 4 मई को वोटिंग के बाद और गणना के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि फिलहाल क्या है। मैं आगे लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ आपको आगे की रिपोर्ट। माता जी वोट आएगा चकिया में, पता है कि नहीं? पता अभी पता नहीं है। आपसे वोट मांगने के लिए कोई आया नहीं? अच्छा अच्छा, ये बताइए कि इस बार चुनाव किसके हाथ में जाएगा, किसको जिता रहे हैं आप लोग? अबे भैया हम अनपढ़ वाली हम के कहो के जिताए, वोट तो देंगी ना? अब तो वोटिया तो जेब करी, कोई पर ना कोई पर जेब करी जी। हाँ। तो इसके पहले किसको आपने दिया था? पहले तो दहली तो चल गई ना, सर्गे हो गई ना, बागी जी। हाँ। बागी जी को दिया था। हाँ। इस बार उनकी पत्नी फिर आई है। हाँ। उनको देंगे आप या नहीं? अब ये जवान बताए तो करेंगे। अच्छा धन्यवाद। आज के लिए नगर संग्राम में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।